आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, फर्स्टली हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स का कैसे इसको यूज करना है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसके जो क्या क्या ऑपरेशन है इसमें हम लगा सकते हैं, और अलग अलग फील्ड में इसको कैसे यूज किया जा रहा है। सेकेंडली हम देखेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो होते हैं, तो उसी हिसाब से गूगल डॉक्स का भी है और कैसे इसमें शेयरिंग हो जाती है, और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। ऐसी गूगल शीट्स है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। और ब्लॉगिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं, गूगल जो प्रोवाइड कराता है गूगल ब्लॉगर, उसका यूज़ कैसे करना है, गूगल ग्रुप्स का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर। सो पहले से हम शुरू करते हैं गूगल फॉर्म से, तो मैं जाता हूँ सीधे आपको प्रैक्टिकल में लेके जाता हूँ। तो इसका यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे अपना। आप सभी ने थोड़ा कुछ कुछ तो यूज किया होगा इनमें से, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे गूगल आपको टाइप करना है google.com, google.com पे जाके google.com पे जाके आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिए अपना अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट होगा। जैसे मैं साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। साइन इन कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ने दिया हुआ है गूगल ऐप्स का, तो इसमें अलग अलग ऐप्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐप्स होंगे, न्यूज़ है, चैट है, कैलेंडर है, डुओ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लास्टली जाएंगे, सबसे लास्ट में दिया हुआ है इन्होंने गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन। तो इस फॉर्म पे जाके हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले इसका यूज़ करने के लिए। तो अभी ओपन हो रहा है, और इसी में आपको गूगल डॉक्स भी मिलेंगी, गूगल शीट भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास देखिए फॉर्म्स का हम यूज़ कहाँ, पहले तो हम देख लेते हैं कि फॉर्म्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, या फॉर्म्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन अगर हमें करवाना है, या पार्टी इनविटेशन देना है, या फिर हमको जैसे इसमें भी दिया हुआ है इवेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है, या क्विज बनानी है, हमको क्विज बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मल्टीपल इसके यूजेज हैं, एक करके हम यूज़ देखेंगे इसके और क्या क्या इसके यूज़ हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक पहले तो हम देखते हैं इसमें कोई भी एक फॉर्म ले लेते हैं, या फिर हम ब्लैंक से भी शुरुआत कर सकते हैं, या ब्लैंक से हम शुरुआत करें। अगर क्लिक किया हमने तो इसमें आ गया, यहाँ पे अपना टाइटल हम डाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको अपना टाइटल डालना है, जो भी टाइटल होगा, यू ओ यू जैसे हम अभी कर रहे हैं तो हम यू यू डाल देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे हम भर देंगे उसको, हम कह सकते हैं वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम यहाँ डाल देंगे, इन्फॉर्मेशंस, जो जो इन्फॉर्मेशंस इसमें हमें डालनी है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका जो इसमें यहाँ से हम ऐड करेंगे क्वेश्चन, जो यहाँ पे प्लस का मार्क दिखाई दे रहा है, इससे हमारे क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। और इसमें अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको मतलब ठीक ठाक सा दिखे, और इसमें कुछ और हम इमेजेस वगैरह लगाना चाहें, तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इमेज लग जाएगी आपकी, ऐड इमेज करके, कैमरा फोटोज में कुछ मिल जाए तो यहाँ से, जैसे ये है कोई, ये फोटो मैंने लगा ली, तो ये इंसर्ट कर देता हूँ मैं, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। ये टॉपिक वाइज जो आपके बैनर वगैरह होंगे, या फिर पार्टी इनविटेशन का पार्टी कार्ड्स होंगे, या फिर क्विजेस की कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो वो उसको आप इमेज के उसमें यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट्स को आपको बताना है वो आप इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम नीचे आए, हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, तो क्वेश्चंस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें देखो बहुत सारी वैरायटीज आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और मल्टीपल चॉइस ग्रिड क्वेश्चंस हैं, चेक बॉक्स ग्रिड हैं। तो इसमें हमको काफ़ी, जैसे मल्टीपल चॉइस में मैंने एक ले लिया और मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डाल दूँ, या फिर हम यहाँ पे सिंपल से पहले शुरुआत करें, तो नाम से हम शुरुआत करते हैं। फॉर्म माना हम, मुझे एक फॉर्म बनाना है सपोज करो, तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, उससे नेम पूछेंगे उसका, और यहाँ पे एक फील्ड रहता है रिक्वायर्ड करना है या नहीं रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड करोगे तो क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा नेम डालना, इसको ब्लैंक छोड़ के आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता यूज़र। तो मैं इसको फिलहाल रिक्वायर्ड कर देता हूँ। इसमें वैलिडेशन की भी इसमें सुविधा रहती है, अपने हिसाब से
वैलिडेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यह है वैलिडेशन। जैसे इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर्स, ये इसमें नंबर्स आए ना, या फिर इसमें ओनली टेक्स्ट लिखा जाए, या टेक्स्ट में भी कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिसको मैं बैन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको आप टाइप करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप वैलिडेशन इसमें लगा सकते हैं अपना। और ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर मैं इसके बाद पूछूं कि आपकी कौन सी क्लास है, क्लास कौन सी है, तो इसमें मैंने, अब इसमें मैं दो चीजें कर सकता हूँ, तो मल्टीपल चॉइस दे दूं मैं, क्लास मानस फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ बीएससी या बीएससी 1 बीएससी 2, सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं इसमें। तो इसमें दो चीजें हम कर सकते हैं, तो चेक बॉक्स लगा दें हम। चेक बॉक्स में फायदा ये होता है कि पहले से सिलेक्ट रहते हैं, और आपको उसमें से ये चेक बॉक्स या फिर ड्रॉप डाउन हम दे सकते हो। तीन चीजें होती हैं, मल्टीपल चॉइस दे दो, या फिर चेक बॉक्सेस दे दो, या फिर ड्रॉप डाउन उसे हम बना दें। तो तीन तरीके से इसका यूज कर सकते हैं हम। अब मैं मल्टीपल चॉइस यहाँ पे ले लेता हूँ एक। अब मल्टीपल चॉइस में मैंने डाल दिया क्लास सपोज बी ए, बी ए फर्स्ट, और एक और ऑप्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन का ऑप्शन है, इसे आप ऐड कर सकते हैं बी ए टू। तो ऐसे ही आप नीचे को, या फिर हम कह सकते हैं बी बी एस सी, और इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको। अब अगर रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड लगा दीजिए, रिक्वायर्ड हो जाएगा वैलिडेशन। यहाँ से आप वैलिडेशन इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वैलिडेशन नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि इसमें हम इनपुट, तो हम इनपुट खुद प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें वैलिडेशन लगाने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अब हम इसमें अगर हम देखें, अगर हम ड्रॉप डाउन में कैसे यूज कर सकते हैं, अब इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ चेक बॉक्सेस ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में भी हम यहाँ पे ले लेते हैं सी एल ए एस एस क्लास, और सेम ऑप्शन में रख लेता हूँ इसमें बी ए 1 और बी ए सॉरी 2। ऐसे एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं बी एस सी। ये चार ऑप्शन मैंने ले लिए हैं इसमें, और तीन ऑप्शन ले लिए हैं, एक और ले लेते हैं, चार कर लेते हैं इनको, एक कर लेते हैं बी सी 2, इसे कर देते हैं 1। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास हो गए। अब हम, अब यहाँ पे एक ये मार्क आता है प्रीव्यू करने का, तो प्रीव्यू से हम देख सकते हैं किस तरह से हमारा फॉर्म बन रहा है। तो ये जो हमने फॉर्म बनाया था वो इस तरह से होगा, दिखेगा यूजर को, एंड यूजर को नेम आएगा, नेम आप यहाँ पे वो फिल करेगा, फिल आउट दिस बॉक्स। जैसे मैं अपना ही कर लेता हूँ उमेश, और फिर यहाँ पे क्लास चूज करने का आता है, जो मैंने मल्टीपल चॉइस दिया था, तो मैंने बी ए 2 कर लिया। तो उसके बाद ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन मैंने दिया था, ड्रॉप डाउन इस तरीके से आता है, नीचे को आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एक ऑप्शन को, ये मैंने चूज कर लिया, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये करेंगे। अभी एक दो एग्जांपल और इसमें देख लें। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस का भी वैसे यूज है, एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आपको क्लिक करवाने हैं तो चेक बॉक्स का यूज हम कर सकते हैं वहां पे, बाकी नहीं तो हम मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं। अब कोई फाइल अगर अपलोड करानी है किसी सिस्टम से, या हम कहते हैं कि अपलोड कुछ इमेजेस अपलोड करवानी है, तो वहाँ पे हम इस फाइल अपलोड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम यहाँ पे आगे देखिए, अब ये जो फाइल्स जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, गूगल गूगल ड्राइव पे जाएंगे, आपके जो जिस भी अकाउंट से आपने जीमेल पे लॉगिन किया होगा, तो उससे संबंधित जो ड्राइव होगी उस ड्राइव पे ही ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो जाएंगी। तो इसमें मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक, इसमें वो वैलिडेशन काफ़ी अच्छा लग गया था, क्योंकि इसमें हमारे पास रहता है कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल्स टाइप। तो इसमें जो मैं चाहता हूँ वो कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट ऐड कर सके, वो पीडीएफ कर सके, इमेज कर सके, बाकी मैं ये प्रेजेंटेशन मैंने हटा दिया, ड्राइंग हटा दिया, जो भी आपको आपकी सुटेबिलिटी, जो भी आपकी लगेगी, आपकी ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो चाहो तो ऑडियो, तो ये वैलिडेशन लगाने का वो है। अब मैक्सिमम फाइल जो ही नंबर ऑफ फाइल्स हैं, ये मैक्सिमम फाइल्स पर यूजर आती हैं, यानी कि एक यूजर
कितनी फाइल अपलोड करता है मैक्सिमम, तो हमने चलो 5 कर सकते हैं। और मैक्सिमम फाइल साइज मतलब एक फाइल का साइज कितना होगा? मैं कहता हूँ एक फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए, क्योंकि 1 MB से कम की इमेज तो मुश्किल है। तो हम कर सकते हैं इसको 10 MB तक, 10 MB, 10 MB में या तो डॉक्यूमेंट करें वो PDF करें या इमेजेस करें। और यहाँ से हम देख सकते हैं कौन से फोल्डर भी आएगी, तो यह फोल्डर हम यहाँ से बना के सिलेक्ट कर सकते हैं, उस फोल्डर पे हम से कर देंगे। ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यहाँ पे अगर नई न्यू फोल्डर भी आप बनाना चाहोगे तो उसका आप एड्रेस मिल जाएगा उसको। ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं अनटाइटल्ड फाइल, इस फाइल का नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो फाइल जिसने रिस्पॉन्स किया होगा उसका नाम आएगा, और यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आएगी जो जो डालते जाएंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगी पूरी। नेक्स्ट हम एड देखते हैं, इसमें हम और क्या कर सकते हैं? हम इसमें कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैंने रो यहाँ पे ली, जैसे इसमें हम एक कुछ टाइप के अगर बनाना चाहें कॉलम्स को ऐड करने के लिए, जो हम कहते हैं कि नंबर कॉलम्स को मिलाओ, तो उस तरह से जैसे रो 1 में हमने एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल 1, फिर हमने इसमें एक और रो ऐड करी एग्जांपल 2, अब कॉलम में हमने ऐड करा आंसर 2, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 1, ये आंसर होगा इसका। इस तरह से ये मल्टीपल ग्रिड का अब देख पा, हम देख लेते हैं इसको कैसे प्रीव्यू आ रहा है इसका। यहाँ तक देख लेते हैं, ये फाइल यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो भी टाइटल मैंने डाला नहीं, टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप अपलोड द फाइल जिस भी इवेंट के लिए या फिर किसी कंपटीशन के लिए फाइल ऐड करवानी थी, यहाँ से ऐड करवा सकते हैं आप। अब इसमें एग्जाम्पल 1 है, अब इसका देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये हो गया है। देखिए एग्जाम्पल 1, अब इसमें मुझे कॉलम मैच करना है कि कौन सा एग्जाम्पल 1 का आंसर होगा, तो यहाँ पे हम कौन सा होगा इसका आंसर 1 है। और ऐसे एग्जाम्पल 2 का भी हम मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं ना, हम यहाँ पे एक हमने ये दिया आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, इस तरह से हम कॉलम वाइज जो क्वेश्चन बना सकते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम्पल 2 है तो एग्जाम्पल 2 का आंसर क्या होगा, आंसर 2, तो ये मैंने सेट कर दिया। अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर आता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, ऐसे ही ये चेक बॉक्स ग्रिड होती है जो उसमें, यहाँ मल्टीपल हम जैसे हमने मल्टीपल चॉइस लिया था वैसे चेक बॉक्स लिया था, उसी तरह से मल्टीपल चेक बॉक्स ग्रिड आ जाएगा। डेट इंसर्ट करानी है, टाइम इंसर्ट कराना है, तो वो भी हम यहाँ से करवा सकते हैं। अब ये तो इसकी जो है प्राइमरी प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसने दी, जैसे इंपोर्ट क्वेश्चंस, अगर हमारे पास शीट बनी हुई है डॉक फाइल में तो वहां से हम इंपोर्ट करवा सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सिंपल आप इंपोर्ट करवा लीजिए जितने भी क्वेश्चन है आपके, यहाँ से फाइल से आपका, यहाँ पे आप फाइल चूज करेंगे, या तो फॉर्म से है या दूसरे फॉर्म से, आप कहीं से पहले के बने हुए क्वेश्चन तो वहां से उठा सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स आ जाएंगे, उसको आप ऐसे करके सिलेक्ट करके यहाँ से इम्पोर्ट करवा सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है आपके। ये देखिए यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी, और भी अगर इसमें फॉर्म्स अगर आपने पहले प्रीवियसली बनाए होंगे क्वेश्चन तो वहां से आप उनको इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। टाइटल डिस्क्रिप्शन का जो क्वेश्चन है वो बता दिया मैंने आपको, इमेजेस इसमें कोई इमेज लगानी है आपको इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन का मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है पूरा हो जाता है, जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद ये सेक्शन 2 पे आते हैं हम। तो सेक्शन 2 भी ऐसा ही रहेगा, इसमें भी एक दो मैं कर देता हूँ, सेक्शन 2 से लिख देते हैं हम सेक्शन 2। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम ऐड कर देते हैं, जैसे हमने पहले ऐड करें वैसे यहाँ भी ऐड हो जाएंगे। पे ऑप्शन 1 आ गया, ऐड ऑप्शन ऑप्शन 2 आ गया। अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ये हमें दिख कैसा रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो ये सारी एंट्रीज जब आप भर लेंगे उसके बाद आपका क्या आएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तब वो नेक्स्ट आपके पेज पे पहुंचेगा। और नेक्स्ट पे आप जाके आप फिर से क्वेश्चंस जो है सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं।
पीछे आते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें इसमें और रह जाती हैं, सेटिंग पे जाके हम देखेंगे इसमें, ये रही सेटिंग। अब इस पर देखिए, इसको अगर मुझे एक क्विज बनाना है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, अगर मैं क्विज भी इसमें बना सकता हूँ। क्विज के लिए क्या करना है, सिंपली आप इसको ओपन कर दीजिए और ग्रेड आपको बताने पड़ेंगे उसमें। हर एक फॉर्म क्वेश्चन पे आपको ग्रेड बताना है कितने नंबर का क्वेश्चन है। और ग्रेड रिलीज करने के दो तरीके हैं, एक तो इमिडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, कि सबमिट पेपर सबमिट किया या क्वेश्चन जो भी आपका फॉर्म है इसको सबमिट करते, यूजर एंड यूजर जब सबमिट करेगा तो सीधे ही आपको मिल जाएंगे आंसर्स, या सॉरी आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका है कि लेटर, यानी कि लेटर का मतलब यह है कि हम बाद में उसको रिलीज करें, या इमीडिएट रिलीज कर दें या कुछ टाइम के बाद हम उसको रिलीज करें। तो इसमें आप देखो, मैंने क्विज ऑन कर दिया तो मेरे सबके उसमें मार्क्स का वो आ जाएगा, एक ये वाला है। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये है आंसर की, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ इसका सही आंसर क्या है, और यहाँ पे इसके ग्रेड जो है कितने पॉइंट मुझे देने हैं उसको, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा माना 2 मार्क्स का है, और यहाँ पे हम अपना करेक्ट आंसर लिख देंगे जो कि यूजर को नहीं दिखाई देगा, ये केवल सिस्टम के लिए होगा चेक करने के लिए। अब ऐसी जैसे ये वाला क्वेश्चन था एक सर, ये मल्टीपल चेक मल्टीपल बॉक्स ग्रेड जो था, इस पर भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें 0 पॉइंट है अभी, इस पे आप जो है अपने मार्क्स को जो है ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मार्क्स भी आएंगे अलग अलग मार्क्स टोटल पॉइंट्स, देखो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, कितने भी टोटल पॉइंट आप कितने का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं आप क्विजेज में। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर कुछ अगर आप इसमें देखो तो, अब इसमें एक चीज और आती है, सेंड करने का ऑप्शन आता है। तो सेंड करने में क्या है, एक तो पार्टिसिपेंट्स को आप ये लिंक दे सकते हैं फॉर्म का, यहीं से लिंक दे दीजिए, शॉर्टन कर दीजिए यूआरएल को, और यहीं से उसको यहीं से मेल किया जा सकता है इसे। यहाँ से जिस चीज़ को भी मेल करनी है यहाँ से मेल कर देंगे आप, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे, क्या क्या मैसेज ड्रॉप करना है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये कर रहे हैं तो आपके साथ 2-3 कोलैबोरेटर्स होंगे, तो उनको भी यहाँ पे ऐड करा जा सकता है, जिससे वो भी फॉर्म का सबमिशन और फॉर्म में क्या क्या एडिटिंग होनी है वो देख सकें। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं, इसमें और भी थीम कस्टमाइजेशन का है, हेडर पे अगर आप हेडर जो है ऊपर के हेडर कहाँ पे आता है, हेडर आता है ऊपर पे यहाँ पे, एक मिनट हम देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे जो हेडर है यहाँ पे कुछ है नहीं अभी, तो अगर मैं यहाँ पे हेडर चूज करूंगा, यहाँ पे हेडर के लिए आप चूज कर सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, नहीं ये चूज कर लिया और इसको आप इंसर्ट करा दीजिए यहाँ पे, तो आपका जो है हेडर आ जाएगा इससे। अब यहाँ पे आप अपनी कस्टमाइज इमेज भी डाल सकते हैं, और थीम कलर है, थीम कलर में आप जो इसका जो थीम का कलर है उस कलर को, जैसे ये जो कलर्स आ रहे हैं साइड में, तो इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में जो ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है इधर से और इधर से, इस बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल जो है, इन फॉन्ट्स की जो स्टाइल होगी इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ये देते हैं फॉन्ट स्टाइल। डेकोरेटिव है, डेकोरेटिव करेंगे तो इस तरह से डेकोरेशन हो जाती है, और नॉर्मली अब आप रखना चाहते हैं तो बेसिक इसको रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमने बात करी गूगल फॉर्म्स की। अब ऐसे ही जैसे हमने गूगल फॉर्म्स का यूज़ करा है, ऐसे ही हम अब यूज़ करेंगे तो फॉर्म्स का हमारा जैसे हमने यूज़ किया था, ऐसे अगर अब इस पर हम नीचे को अगर क्लिक करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और दिखाई देती हैं हमें, जिसमें ये फोटोज़ जो है, फोटोज़ तो आपको पता ही है आपके मोबाइल पे भी रहता है गूगल का फोटोज़ का। अब गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स की हम पहले बात कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए गूगल डॉक्स पे एक तो इनके पास पहले से कुछ, जैसे आपको ब्रोशर डिजाइन करना है तो उसके पहले इनके पास पड़े हुए हैं कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो इनको यूज़ करके आप भी आप बना सकते हैं अपने जो भी आपको बनानी है, या फिर आप ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स वगैरह बना की पॉइंट्स नोट पॉइंट्स बनाने के लिए। तो जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है एक टेम्पलेट, तो यहाँ पर आप अपना लिख दीजिए जो भी आप वो है,
या यूजर मैनुअल, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट ब्रोशर, यहाँ पे आप अपनी जो ये इमेज इन्होंने दी हुई है, इस इमेज के बदले आप अपनी इमेज भी सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी इमेज लगा सकते हैं कोई भी, और अलग अलग जो जैसे जैसे चीज़ें हमें वर्ड में मिलती है सेम चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑनलाइन मीडियम में चलता है, और जितना भी आप इसमें काम करेंगे वो सब सेव हो जाएगा आपके सर्वर पे, आपके सर्वर पे सब कुछ सेव होगा। इसका मतलब ये है कि आपको फिर बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, और शेयर करना भी आसान हो जाता है। अगर यहाँ से मैं अगर शेयर कर दूँ इसको कुछ लोगों के साथ, तो साइमल्टेनियसली बहुत से लोग इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से आप ईमेल आईडी डाल के इनको अपना पार्टनर बना सकते हैं, मतलब ये जो भी आप चेंजेस करेंगे इनको भी दिखाई देगा, और ये भी चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से अगर आप इसको एडिटर की परमिशन दे देते हो। तो एक एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को अगर काम करना है किसी भी फाइल पे, तो उससे हम ये गूगल डॉक्स का यूज़ करके उस फाइल पे हम काम कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलते हैं ऑफलाइन मीडियम में, वही सारे ऑप्शन इसमें ऑनलाइन मीडियम में मिल जाते हैं। फाइल में शेयरिंग है, न्यू फाइल बनाना है, ओपन है, कॉपी बनाना है, ईमेल डाउनलोड, और इस तरह से जितने भी ऑप्शन हैं, इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फुट नोट बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्पेशल करेक्टर्स जो आपको चाहिए होते हैं, फॉर्मेटिंग इसमें मिल जाती है, और टूल्स जो जो टूल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, स्पेल ग्रामर चेक होते हैं, वर्ड काउंट होता है, रिव्यू सजेस्ट, एडवांस में अगर आप डू मोर गेट एडवांस में आपको कुछ एडवांस इसमें लेने होते हैं, तो ये आपके ब्राउजर पे कनेक्ट हो जाएंगे जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए भी हम यूज़ करते हैं गूगल हिंदी इनपुट टूल, तो ब्राउजर में कनेक्ट हो जाता है, आप हिंदी टाइपिंग भी उससे कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका हम यूज़ डॉक का यूज़ सेम हम कर सकते हैं गूगल के साथ भी, जैसे हम ऑफलाइन मीडियम में करते हैं वैसे ऑनलाइन मीडियम में करते हैं। और इसी तरह से अगला जो हमारा इसमें रहता है, इसका एक टूल है वो है गूगल शीट्स है। अब शीट्स में जो आप एक्सेल फाइल्स जो हम बनाते हैं, सेम एक्सेल फाइल्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, बिल्कुल कुछ इनके टेम्पलेट्स हैं, अगर आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहें तो इन टेम्पलेट्स का यूज़ कर लें। गैलरी में जाके आप मोर टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, एक दो नहीं है, उसमें काफ़ी टेम्पलेट्स आते हैं, तो उस तरह से आप अपना इनको ही मॉडिफाई करके अपना बहुत अच्छी एक एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं जो आपके रिलेटेड हो, जैसे मंथली बजट के रिलेटेड है, तो फिर ये हमने यूज़ कर लिया, ये देखिए इसमें आ जाएगा। अब इसमें बाकी इसी में आप एडिट करके अपना काम चला सकते हैं उसको एक्सेल फाइल का, या खुद की एक्सेल फाइल जनरेट करनी है तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं, सेम जैसे आप काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वैसे ही काम इसमें भी होगा। सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेम रहेंगे एकदम। अब यहाँ से इसमें शेयर करने का है, ऑनलाइन मीडियम में काम करना है, तो ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जब एक साथ काम कर रहे होंगे तो साइमल्टेनियसली वो देख सकते हैं एक दूसरे का काम, और जो जो चीज़ें इसमें ऐड होनी है वो ऐड भी कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो चेकिंग प्रोसेस भी जो है वो भी साथ साथ चल जाती है, तो इसमें समय भी बचेगा और बाकी इसमें काम जो हमारा जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज ही होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉगर में, ब्लॉगर के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, तो देख लेंगे कि ब्लॉगर बनाना कैसे है अकाउंट में और कैसे कैसे उसको यूज करना है। ब्लॉगर में जाता हूँ, ये है blogger.com, ब्लॉगर अमेरिकन ऑनलाइन कंटेंट मैनेजर सिस्टम है, इसको हम देख लेंगे इसमें किस तरह से हम अपने ब्लॉग्स बनाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएट करना है। अब मैं तो पहले से लॉगिन हूँ, अगर आप इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे तो मैं पहले साइन आउट कर लेता हूँ, उसको प्रोसेस पर चल जाएगी हमें। ये है आपका ब्लॉगर, क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पे जाएंगे आप, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको या तो साइन इन करने के लिए कहेगा या फिर साइन अप करने के लिए कहेगा, तो दोनों में से आप कर सकते हैं, क्रिएट योर ब्लॉग साइन इन, तो साइन इन आप कर लीजिए। साइन इन आप कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट से या आप साइन इन कर लीजिए गूगल अकाउंट से। तो जब आप साइन इन कर लेंगे आपकी विंडो ये ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो मैंने
टॉपिक यहाँ पे पहले बनाया हुआ है, आईसीटी का है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, या तो आप यहाँ से न्यू पोस्ट कर सकते हैं। न्यू पोस्ट क्या होगी, सबसे पहले हम बनाएंगे एक प्रॉपर ब्लॉग अपना। प्रॉपर ब्लॉग के लिए प्रॉपर नेम होगा न्यू ब्लॉग का, तो मैं एक नया ब्लॉग कंटेंट यहाँ से चूज करता हूँ। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा अपना टाइटल, जैसे मैंने लिखा TEE टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पे मतलब बनाना चाहूँ तो उसका नाम दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, ये मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया। अब इस पे आप एड्रेस अपना दे सकते हैं, जो भी एड्रेस किस एड्रेस पे आपको मिलेगा। ये तो मैं एक एड्रेस माना मैं देता हूँ, उमेश अपने नाम से दे दिया मैंने, AOSHI001। ये पहले से है तो हम 002 ट्राई कर लेते हैं। ये अवेलेबल है तो आप इसको सेव कर लोगे, तो ये आपकी ब्लॉग की लोकेशन आ जाएगी। आपका ब्लॉग कहाँ पे देखा जाएगा, ब्लॉग उमेश जोशी 002/blogger.com पे। तो ये हमारा ब्लॉगर है। अब इस पे हम ये है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, इसके अंदर हम बनाएंगे न्यू पोस्ट। ये है, यहाँ पे अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे तो भी आपको ब्लॉग लिखना है और यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमको इसके मिल जाते हैं। ये देखिए फोटो ऐड करने का, फोटो आपको ऐड करनी है या फिर क्लिपिंग ऐड करनी है या फिर किसी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे देना है, ये लिंक के थ्रू आप दे सकते हैं। इंसर्ट मीडिया में अगर हम जो फोटोज से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं आप कोई फोटो, या फोटोज से कर सकते हैं। अगर मैं फोटोज से ही जाऊँ अपने, तो जितनी मेरी गूगल की फोटोज होंगी वो दिखा देगा। माना मैंने ये वाली फोटो सेलेक्ट कर ली है, तो सपोज मैंने ये फोटो चूज करी तो इस तरह से आ जाएगी। इसमें एडिटिंग करके आप इसको लेफ्ट राइट या फिर सेंटर अपने ब्लॉग के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो। तो यहाँ पे आपने अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया, फिर कुछ इंफॉर्मेशन आपने इसमें डाली। अगर इसमें हमको कुछ कमेंट लिखना है तो यहाँ से हम इसमें लिख सकते हैं टेक्स्ट से, ऐड कैप्शन आ जाएगा। तो इसका हम सोर्स भी दे देते हैं, अगर कोई हमारे पास सोर्स होगा इसका तो उसका सोर्स यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सोर्स दे देंगे, जो भी आपका होगा नाम होगा जो भी होगा। और यहाँ से अपने ब्लॉग्स की इस तरह से आप अपना ब्लॉग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन की बात करें तो ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रीव्यू होगा, कैसा दिख रहा है मेरा ब्लॉग दिखने के बाद, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। इस तरह से ब्लॉग आएगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन मेरा मेन टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक मेरा जो मैं बनाऊंगा, जो भी ब्लॉग मैंने बनाया है उसके उस नीचे पूरा आएगा उसके बारे में। तो इस तरह से फोटोग्राफ्स हैं, अगर कुछ क्लिपिंग्स हैं तो क्लिपिंग्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ लिंक्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छे ब्लॉग लिखेंगे तो लोग उनको पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसके बाद उसकी जितनी विजिबिलिटी होगी उसी हिसाब से आपको उसमें पैसे मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। बता देता हूँ मैं किस तरह से इसमें कर सकते हैं, तो हम इसका प्रीव्यू पहले बंद करते हैं। इसको हटा देते हैं, ये देखिए अर्निंग्स यहाँ पे अर्निंग्स का भी दे रहा है। अर्निंग्स में आपको सबसे पहले तो अपना एडसेन अकाउंट बनाना होता है इसमें, जिससे कि आपको आपके अकाउंट पे जो है गूगल एडसेन जो अकाउंट होगा उसके थ्रू आपके अकाउंट्स में पैसे आएंगे, और आप जितने भी इसमें ये देखिए यहाँ पे आपको गूगल एडसेन का अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसका आपका जो मैंने शुरू में डाला था ना वेबसाइट का एड्रेस जो मेरा था, वो मेरी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे आ गया, umeshjoshi002.blogpost.com। ये मेरा जो है ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस होगा। ठीक है, अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं वहीं से गया हूँ अपने एड्रेस से, तो इसमें एड्रेस पहले से ही डला हुआ आ रहा है। अब इसमें आप दे सकते हैं कि अब मुझे कुछ हेल्प, बाकी इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। योर पेमेंट कंट्री टेरिटरी जो भी है आपकी है वो आप इसमें, जैसे मेरे इंडिया है तो हम इंडिया डाल देंगे इसमें।
इंडिया टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे इनकी, वो पढ़ने के बाद। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल द एग्रीमेंट्स और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। तो ये आपका यहाँ पे एडसेंस अकाउंट बन जाता है। अब इसमें तीन ये चीजें हैं एड्स के, किस तरह से आपको एड्स आपके उसमें आएंगे, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखोगे तो उसमें या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ या ऊपर या नीचे, इस तरह से आपको अपनी जो चॉइस है वो डिफाइन करनी होती है। वहीं पे गूगल जो है ऐड दिखाता है उस पोस्ट पे, और जितनी ज़्यादा रीच होगी उतने ज़्यादा उसको आपको एड्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इसमें पेमेंट आने की चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी इससे लोग यूज़ करके इसे अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी साइट्स है, आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कौन कौन सी साइट्स के आप ऐड दिखाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी साइट है जिसका आप ऐड नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से उसको ब्लॉक करवा सकते हैं आप। ब्लॉकिंग कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, आप ब्लॉकिंग कंट्रोल से आप देख लीजिए अपना कर सकते हैं। और ऐड रिव्यू सेंटर, अगर कोई ऐड आपको चाहते हो कि आप ये ऐड ना दिखा जाए तो आप उसको इनेबल करके वो साइट को हटा सकते हैं। ये मेरी साइट का एड्रेस है जो मैंने अभी बनाई थी, umeshoc002.blogpost.com। अब इसके हम होम पे आ जाते हैं, जो और चीज है इसमें तो इस तरह से इसमें हम इसका यूज करेंगे। पेजेस है, बाकी आप अपनी थीम को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग में बहुत सारे लेआउट है, लेआउट में आप अलग अलग टाइप के लेआउट देते हैं, तो उसमें आप उसको यूज करके अपना जो पूरा ब्लॉगिंग का जो साइट है, साइट का लुक चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कि हेडर किस तरह से आएगा, उसमें सर्च टॉप में क्या लिखाना है, या फिर साइड बार में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, कुछ गैजेट्स ऐड कर सकते हैं। साइड टॉप बार में अपने बारे में या फिर अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। साइड बार बॉटम के लिए अलग से आ रहा है, तो ये इस तरह से आप अपना लेआउट खुद डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव भी करने का ऑप्शन आता है, इनको ऊपर नीचे ले जाके इसको हटाना है तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से, और एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। और एड्स कहाँ पे दिखाई देंगे आपके, वो भी यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आपको एड्स दिखाने हैं, मतलब अपर पार्ट में दिखाने हैं, लोअर पार्ट में दिखाने हैं, या फिर साइड बॉटम। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अलग अलग थीम्स आपकी हैं सेट, ये थीम्स अलग अलग थीम्स है, इस तरह की थीम्स अगर आप चाहते हो तो उसमें ये तो अभी थीम मैंने सेलेक्ट की हुई है अपनी, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी थीम्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं कुछ थीम्स, तो उनको आप सिलेक्ट करके उनको यूज कर सकते हैं सीधे। इसकी सेटिंग्स में जाके आप अपनी लैंग्वेज है, ब्लॉक लैंग्वेज कौन सी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी, अडल्ट कंटेंट है इसमें नहीं है, टाइटल चेंज कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी वगैरह जो है आप यहाँ पर से देख सकते हैं उसमें। और रीडिंग लिस्ट अगर आप बनाना चाहें तो रीडिंग लिस्ट में यहाँ पे बन जाती है आपके जितने भी होंगे, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बताते रहेंगे ब्लॉगर की तरफ से। ब्लॉग देखना है तो आप यहाँ से ब्लॉग देख सकते हैं अपना, इस तरह से मेरा ब्लॉग जो है दिखेगा यूजर्स को जो है वो, इस तरह से ब्लॉग दिखाई देगा। यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे फोटो हो गई, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो होगी आप बनाओगे तो यहाँ से विजिट करने के बाद प्रोफाइल आपकी दिख जाएगी उसमें, और बाकी चीज़ें जो हैं ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अब आप इस पर ट्राई करिएगा, देखिएगा इसमें किस तरह से इसको यूज़ करना है, क्योंकि यूज़ करने के बाद ही आपको इसमें समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें, नई नई टाइप की हैं, और यूज़ जितना करेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए भी। अब एक बार हम प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं अपनी और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए। तो हमारा गूगल फॉर्म हमने कवर कर लिया है अभी, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स, ये दोनों हमारी कवर हो चुकी है। थर्ड नेक्स्ट इज गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, ये दोनों हमारी कवर हो गई है। ब्लॉगर बता चुका हूँ मैं, अब हम चलेंगे अगला ग्रुप्स के बारे में, हम देखेंगे गूगल ग्रुप्स, न्यूज़ ग्रुप्स बना सकते हैं इसमें हम, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम करते हैं ग्रुप्स में भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजी लॉकर के बारे में। तो एक बार हम गूगल ग्रुप्स देख लेते हैं, किस तरह से उसका यूज़ करना है, किस तरह से उसको बनाना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है google.com पे।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं। हेलो हेलो, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन। हम पढ़े थे गूगल ग्रुप्स के बारे में, गूगल ग्रुप्स का किस प्रकार से हमको यूज करना है, तो हम देख लेते हैं गूगल ग्रुप्स में जाके सीधे। देखिए यहाँ पे से आपका ग्रुप्स आ जाएगा, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते ग्रुप। जैसे ये दो ग्रुप से मैं अभी ऐड हूँ, तो इस तरह से आप अपने ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैं एक ग्रुप बना लूँ यहाँ पे यू क्लास कर देते हैं। ग्रुप ईमेल ये हो गई yuclass@googlegroups.com। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे अपना जो भी होगा और नेक्स्ट कर देंगे। ये आपका ग्रुप जनरेट हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन सेटिंग्स हैं, हु कैन सर्च फॉर ग्रुप, इसमें कौन सर्च कर सकता है ग्रुप को, एनीवन ऑन द वेब कर सकते हैं, ग्रुप ऑन मेंबर्स भी कर सकते हैं, हु कैन ज्वाइन द ग्रुप, ओनली इनवाइटेड यूजर्स या एनीवन कैन आस्क, आस्क करेगा उसके बाद हम जो इसका एडमिन होगा वो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें यू कैन व्यू द कॉन्वर्सेशन, इसमें सिक्योरिटीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए आप, और यहाँ पे कोई भी जो जिसको भी आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दे सकते हो, यहाँ पे क्रिएट ग्रुप बना सकते हैं अपना डायरेक्टली। जैसे हमारा ग्रुप बन गया है एक, क्रिएट ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे हमने एक ग्रुप बना दिया है यू क्लास, तो इसको आप यूज कर सकते हैं आगे फर्दर के लिए। अब इसके अंदर जाके देखें तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन में जाइए, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन करिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप डालिए अपना, तो ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे कोई फाइल अटैच करनी है तो आप यहाँ से फाइल अटैच कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर या इंसर्ट लिंक वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल हम उसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजी लॉकर। थोड़ा
हम डिजी लॉकर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिजी लॉकर जो है वो हमारी जो MeitY है, MeitY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उसके तहत जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स के लिए यूज किया गया है। अब यूज इसका यूज कहाँ पे आता है, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी हम देखेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम इश्यू कर सकते हैं और कैसे हम उसका डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसके अगर आप देखो, यूज मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, इनेबल डिजिटल एम्पावरमेंट्स, ई साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोर्स एक्सेस टू गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट थ्रू अ वेब पोर्टल, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस है इसमें, ओपन एंड इंटरऑपरेबल स्टैंडर्ड्स बेस्ड आर्किटेक्चर, अभी देखेंगे उसका आर्किटेक्चर किस तरह से यूज होगा। तो इस तरह से हम इसको, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, जो हम मेन जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है हमें। अब डिजिटल लॉकर की यूज़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम उसको, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि फिजिकल फॉर्म में हमारे पास रखना और फिजिकल फॉर्म में किसी भी सर्टिफिकेट्स को रखना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाता है, क्योंकि और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं और ये एक्स्ट्रा वर्कलोड ये बढ़ता ही है इससे। और अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें मल्टीपल कॉपीज उसकी निकालनी पड़ती है और हर जगह उसको सबमिट करना पड़ता है, तो उससे बच जाते हैं। इसमें चैलेंजेस ऑफ वेरीफाइंग और हर जगह अपने आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, या वो भी थोड़ा सा हमारा ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना वो चैलेंज रहता है, तो इसलिए हम डिजी लॉकर का यूज करते हैं। अब इसमें ड्रॉबैक्स देखो, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं जिसके लिए भारत सरकार डिजी लॉकर लेके आई, इसमें जैसे स्पॉइलेज सर्टिफिकेट्स हैं, फ्रॉजरी है, डिफिकल्ट टू कैरी सर्टिफिकेट्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, किसी भी सर्टिफिकेट को बनाने में टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि जाना होता है फिर बनाना होता है फिर उसके बाद फिर काफ़ी दिन लग जाते हैं उसमें, और हार्ड टू मेक चेंजेस है क्योंकि उसमें चेंज कराना भी, फिर चेंज कराने के लिए भी आपको फिर दोबारा से ऑफिस जाना है, उसके बाद वहाँ जाके एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देके वो प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद वो चेक, फिर वो डेटाबेस में जाके उसको ठीक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से वो छपने आएगी आपकी डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको मिलेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और हार्ड टू मेक चेंजेस है, लैक ऑफ सिक्योरिटी नहीं भी कही, आपकी चोरी हो जाए डॉक्यूमेंट तो उसके बाद आप उनको ढूंढने के लिए फिर से दोबारा से वही प्रोसेस करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरीफाइंग हो जाता है वो। अब डिजी लॉकर के जो कंपोनेंट्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे तीन स्टेक होल्डर्स इसमें आते हैं, एक तो इश्यूअर होता है, दूसरा रिक्वेस्टर होता है, तीसरा रेसिडेंट होता है। इश्यूअर कौन है, इश्यूअर है हमारी जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हैं, जैसे अगर हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स एजुकेशन के लिए CBSE के पास है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। अब रिक्वेस्टर कौन है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, पासपोर्ट ऑफिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट, जैसे यूनिवर्सिटी किससे रिक्वेस्ट करेगी एक्सेस के लिए, जो इनका डेटाबेस होगा, हायर एजुकेशन का जो डेटाबेस बना होगा उसके अंदर जो सारे सर्टिफिकेट होंगे उसके लिए यूनिवर्सिटी रिक्वेस्टर हो जाएगी। और रेसिडेंट कौन है, हमने डिजी लॉकर में रिक्वेस्ट डाली तो रिक्वेस्टर कौन बना, रिक्वेस्टर बनी यूनिवर्सिटी ने रिक्वेस्ट किया इश्यूअर को, तो इश्यूअर के पास से सर्टिफिकेट आया रिक्वेस्टर के पास, रिक्वेस्टर से रेसिडेंट के पास डायरेक्टली पहुंच जाता है, क्योंकि ये क्योंकि डिजी लॉकर जो हम यूज करते हैं वो आधार और वन टाइम पासवर्ड से कनेक्ट रहता है, तो इसलिए ऑथेंटिकेशन काफी अच्छा है। और साथ में हम यूज कर सकते हैं ई सिग्नेचर का भी, उसमें बताऊंगा अभी आपको ई साइन कैसे हम यूज कर सकते हैं उसमें। और कॉम्पोनेंट्स जो उसमें है, रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे कलेक्शन रहेगा ई डॉक्यूमेंट्स का, एक रिपोजिटरी नहीं होती, बहुत सारी रिपोजिटरीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स हम उसको यूज करते हैं, आर्किटेक्चर में भी हम देखेंगे। एक्सेस गेटवे है ऑनलाइन, एक्सेस गेटवे का मतलब क्या हुआ, किस तरह से हमको मैकेनिज्म क्या है जिससे हमको ई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कहाँ से, रिपोजिटरीज से मिलेंगे, वेरियस रिपोजिटरीज हैं वहाँ से इन रियल टाइम। और कंपोनेंट में आता है डिजिटल लॉकर है, डेडिकेटेड पर्सनल स्टोरेज स्पेस लिंक टू ईच रेसिडेंस आधार, जैसे मैंने भी कहा कि आपके आधार के साथ डिजी लॉकर जो है वो लिंक रहता है, और सिक्योरली स्टोर ई डॉक्यूमेंट्स और स्टोर URI लिंक्स ऑफ ई डॉक्यूमेंट, ई साइन ऑनलाइन सर्विसेज टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल लॉकर पोर्टल जिसको अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है रजिस्टर्स, पहले से ही रजिस्टर हैं, रिपोजिटरी रजिस्टर हैं, गेटवेज रजिस्टर हैं, और इश्यूअर है इसके अंदर है, रिक्वेस्टर इसके अंदर है, रेसिडेंट इसके अंदर है,
और डिजिटल लॉकर का अगर सिंपल इकोसिस्टम हम देखें तो सिटीजन्स किसके पास जाता है, सिटीजन्स के पास है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा? डिजी लॉकर गैदर करेगा रिक्वेस्टर से और इश्यूअर से, क्योंकि रिक्वेस्टर जो है वो इश्यूअर के पास जाएगा और इश्यूअर जो होगा वो डिजी लॉकर में रिक्वेस्ट देगा जो कि सिटीजन्स को मिल जाएगी, जो एंड यूजर होगा। इसका आर्किटेक्चर देखें तो थोड़ा सा टिपिकल सा आर्किटेक्चर इसका दिखता है, क्योंकि इसमें पहले मैंने बताया था कि बहुत सारी रिपोजिटरीज इसमें काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के रूप में तीन रिपोजिटरी को देखें तो एक शेयर्ड रिपोजिटरी, एक डेडिकेटेड है, तीसरी शेयर्ड है। अब चार इश्यूअर हैं तो अलग अलग रिपोजिटरी से जिससे भी उनका काम होगा तो उससे वो अपनी जो ये देखिए जो अपनी वो इश्यू करने सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं। यहाँ से इन्होंने गैदर किया रिपोजिटरी से इश्यूअर ने, और इश्यूअर किसको देगा? रिक्वेस्टर को देगा। रिक्वेस्टर लास्ट में किसको देगा? यूजर को देगा, रेस्पोंडेंट को देगा। तो इस तरह से इसका ये आर्किटेक्चर बहुत सरल आर्किटेक्चर है। तो एक बार अब हम करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिजी लॉकर को हम यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना है डिजी लॉकर की साइट पे हम जाएंगे digilocker.gov.in, या डिजी लॉकर भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पहले ही digilocker.gov.in। अभी तो मेरा ये शायद मैं तो लिंक हूँ इसमें तो मुझे दिखाएगा, तो मैं एक बार लॉग आउट करके आपको दिखा दूंगा। हाँ लॉग इन नहीं है, तो आप यहाँ से क्या करना है, आपको डिजी लॉकर के आप साइट पे पहुंच गए एक बार, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको साइन अप करना है। सबसे पहले तो उसको पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमको मिल रही हैं। वेरीफाई योर सेल्फ, देखिए यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ। वेरीफिकेशन कैसे होता है? वेरीफिकेशन होता है आपका आधार से, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को 10th मार्क्स या मार्कशीट, 12th मार्कशीट, या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, या ड्राइविंग लाइसेंस, या अन्य वेरियस जो हमारे अलग अलग चीजें होती हैं उनका, जैसे COVID-19 सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, वो सारी सारे डेटा सारे सर्टिफिकेट यहाँ से इशू करा सकते हैं। तो एक बार हम इसमें साइन अप हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। साइन अप फॉर्म देख लेते हैं इसका क्या क्या हमको इसमें चाहिए होंगी जानकारियाँ। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार डालना, फुल नेम डालना है जो कि आधार पे होगा, आधार के हिसाब से। उसके बाद आपको इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद मेल फीमेल अदर्स सिंपल सी चीजें हैं। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है। अब जो मोबाइल नंबर आप वही डालेगा जो आपके आधार से लिंक होगा, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे आएगी आपका आएगा 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन। उसके बाद आप अपनी एक ईमेल डालिए, ये जरूरी नहीं है ईमेल आईडी डालना, अगर आपके पास है ईमेल आईडी तो आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपको आधार नंबर से कराना, क्योंकि आधार नंबर से आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड खुलेगा उस पे हम जाते हैं सीधे, क्योंकि मैं इसमें साइन अप हूँ तो मैं साइन इन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आधार नंबर या मोबाइल नंबर जो भी मैंने रजिस्टर किया है उससे आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं। साइन इन कर लीजिए आप। तो हमारा डिजी लॉकर की स्क्रीन खुल जाएगी। ये देखिए हमारा मेरा नाम आ गया यहाँ पे, डिजी लॉकर इशू डॉक्यूमेंट आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर आईटी एक्ट 2000। यानी कि डिजी लॉकर से आपके जो भी इशू डॉक्यूमेंट इशू होंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही माने जाएंगे। ऐसा किसके तहत है? आईटी एक्ट 2000 के तहत है। अब तो चेंज हो गया है 2000 आईटी एक्ट में कुछ, तो फिर इसमें हम देखते हैं। अब इस पे आप अपने राज्य के हिसाब से भी अपने डॉक्यूमेंट इशू करा सकते हैं। इशू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जाके आप सर्च करिए। यू हैवंट, अब मैंने कोई इशू कराया नहीं है इसमें, तो अगर मैंने इशू कराया होता तो मेरे यहाँ पे सारे आ जाते हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अब इसमें से आपको यहाँ या तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए या फिर इसके नीचे जो ऑप्शंस में हैं वहां से कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स अलग अलग हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी आप
ले सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको उत्तराखंड का, ये है उत्तराखंड। अब इसमें उत्तराखंड के अंदर हम आ गए। अब इसमें आपको क्या चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स से अप्रूवल और ब्लू प्रिंट प्लान हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट या क्लास 10th मार्कशीट। जैसे मैं क्लास 10th मार्कशीट लेना चाहता हूँ कि, तो यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और रोल नंबर डालना होगा अपना और कौन सा आपका ईयर था। जैसे आप ये करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका जो ओरिजिनल ओरिजिनली जो मार्कशीट होगी वो आपके इश्यू डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी और उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका अपना डिजी लॉकर का एड्रेस देके उसको आप कहीं भी एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो वेरीफाई है, वेरीफाइड है। वेरीफाइड कहाँ से है, वेरीफाइड है आपके आधार नंबर से। तो इस तरह से हम डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। और भी इसमें चीजें हैं, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये कहाँ पे रहेंगे, आपके पास 1 GB का स्पेस ही आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट्स तो सारे आ जाते हैं। 1 GB काफी बड़ा स्पेस है। अब डॉक्यूमेंट्स के अब अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक फोल्डर पहले से बने हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के अगर आपके पास होंगे तो वो यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट्स में। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, यहाँ पे आ जाएगा। हेल्थ के लिए जैसे आपका हेल्थ कार्ड है या आयुष्मान कार्ड हो गया या फिर और भी कोई आपने हेल्थ पैकेज लिया है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसको यहाँ पे उसे डाल सकते हैं। अब हम इसके होम पे आते हैं और इसमें कुछ और चीजें भी हैं यहाँ से। अब डिजी लॉकर में नई चीजें क्या क्या आई हैं वो आपको न्यूज में यहाँ पे बता देते हैं। अकाउंट्स जनरल, एको जनरल, इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं, इसके तहत ले सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। एडम और अंडमान, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एम्स वगैरह की जो साइट्स हैं, ये सब अपना डेटा इसमें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या होंगे, सबके पास अपनी अपनी रिपोजिटरीज हैं, जो कि रिपोजिटरीज इनकी कहाँ कहाँ ऐड हो गई हैं, वो हो गई हैं डिजिटल डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर से हम क्या कर सकते हैं इन रिपोजिटरीज पे, इसका मतलब ये जो जितने भी ये क्या है, ये है रिक्वेस्टर, एम्स एम्स है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये सब जितने भी हमको दिख रही है सब चीजें रिक्वेस्टर होंगी। और इश्यूअर कौन होगा, इश्यूअर होगा जहाँ जहाँ से इश्यू, जैसे मैंने बताया था, जैसे मार्कशीट के केस में CBSE आप इश्यूअर हो जाएगा, और कॉलेज के उसमें कॉलेज आपका रिक्वेस्टर है, तो हायर एजुकेशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इश्यूअर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाद में आप इसको लॉग आउट कर दीजिए। वुड यू लाइक टू लॉग आउट? यस, लॉग आउट। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी, उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ लिए थे, एक बार और देख लेते हैं इनको, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल फॉर्म देखा था। गूगल फॉर्म में हमने क्या क्या सीखा था, एक क्विज बनाना, क्विज के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स का, या फिर इनविटेशन कार्ड्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर पब्लिक ओपिनियन या सर्वे के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, या रिसर्च पर्पज के लिए हम गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके यूज हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ऑनलाइन किस तरह से काम किया जा सकता है गूगल डॉक्स में, गूगल शीट्स में, इनका फायदा क्या है, इनका फायदा यह है कि हम एज गैप पे बहुत सारे लोग अपने आपस में शेयरिंग करके एक ही डेटा पे काम कर सकते हैं, जो जो कि रियल टाइम पे सेव भी होगा और रियल टाइम पे उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। इसी तरह से हमने गूगल ग्रुप्स देखा, ब्लॉगर देखा, ब्लॉगर की सहायता से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा, एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है उसमें ये हमने देखा, और ग्रुप्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ग्रुप्स में हम इंफॉर्मेशन है और लोगों को कैसे ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, वेरियस पर्पस के लिए हम ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं गूगल ग्रुप्स का। उसके बाद हमने डिजी लॉकर के बारे में देखा है, डिजी लॉकर का यूज हम कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन इश्यूअर है, कौन स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये सब हमने इसमें जान लिया। और क्यों हमने इसको, हम क्यों डिजी लॉकर का यूज कर रहे हैं, क्या परेशानियां हमारे पास हैं, क्यों ना हम इन्हीं जैसी पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी पर क्यों नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारे इसके फायदेज हैं और वो सब हमने देख लिए हैं। कॉम्पोनेंट्स मैंने बता दिए आपको, स्टेक होल्डर्स, इश्यूअर क्या होता है, रिक्वेस्टर क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट क्या होता है, रिपोजिटरीज क्या होती हैं, एक्सेस गेटवेज क्या है, डिजिटल लॉकर की मतलब क्या यूज है डिजी लॉकर का, डिजी लॉकर की मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम कर रहा है, वो सब चीजें हमने एक ब्रॉड लेवल पे देख चुके हैं। अब ये डिजिटल इकोसिस्टम है और ये हमने उसका आर्किटेक्चर देखा था, किस तरह से अलग अलग रिपोजिटरीज का यूज अलग अलग इश्यूअर द्वारा किया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा गेटवे हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम गेटवे 1, गेटवे 2
देख रहे हैं, और ऐसी तीन रिपोजिटरीज हमारी इसमें हैं, रिपोजिटरी वन, रिपोजिटरी टू, रिपोजिटरी थ्री, और अलग अलग इश्यूअर हैं, इश्यूअर वन, इश्यूअर टू, इश्यूअर थ्री, इश्यूअर फोर। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। बस।